मंडी जिला के सदर विधानसभा क्षेत्र के नेहरी मंजर गांव के एक प्रतिनिधि मंडल ने मनीष कुमार नामक युवक पर उसकी नाबालिग बेटी को अवगत करने के आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने महिला थाना मंडी में शिकायत दर्ज करवाई है और इसी मामले को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल SP मंडी से भी मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी पुनीत रघु से मामले की निष्पक्ष जाँच की गुहार लगाई। पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में पीड़ित व्यक्ति ने मनीष कुमार नामक एक युवक पर कई आरोप चढ़े। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि 5 माह पहले 17 जुलाई को मनीष कुमार नामक युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था, जिसे परिजनों ने बड़ी मुश्किल से ढूंढा था और अब फिर से पीड़ित व्यक्ति की बेटी गायब हो गई है। पीड़ित व्यक्ति ने आशंका जाहिर की है कि उसकी बेटी को मनीष कुमार नामक इस व्यक्ति ने या तो किडनैप किया है या फिर जान से मार दिया है। मामले की पुष्टि SP मंडी पुनीत रघु ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और छानबीन शुरू की जा रही है। अभी पंडो से एक डेपुटेशन हमारे पास आया था, जिन्होंने अपने डेपुटेशन में हमें ये बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी की जो मिसिंग है उसके बारे में एक शिकायत पत्र जो है वो पुलिस स्टेशन विमेन वहां पे दिया था और उसमें अभी तक उनकी बेटी को जो है पुलिस तलाश नहीं कर पाई है। तो इस बारे में उनको बताया गया है कि इसमें ऑलरेडी मामला जो है वो 363 में दर्ज है और पुलिस स्टेशन महिला जो है वो उसमें अन्वेषण कर रहे हैं और उनको आदेश भी दिए गए हैं अभी कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई कर जो उनकी बेटी को ढूंढकर उनके हवाले किया जाए और आगामी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाए।